उत्तराखंड में इस बार हरेला पर्व 16 जुलाई से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। प्रदेश में सरकारी और निजी स्तर पर चलने वाले पौधारोपण अभियान के तहत 15 लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। इस दौरान अधिकांश जगहों पर करीब 50% फलदार पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पौधारोपण कर प्रदेशवासियों से वर्ष भर पौधारोपण अभियान में शामिल होने की अपील करेंगे। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरेला पर्व को लेकर कहा कि पौधारोपण कार्यक्रम केवल वन विभाग की जमीन पर ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी होता है और सभी लोगों की यह जिम्मेदारी है कि पौधों को रोपकर उसे संरक्षित करें। सरकारी स्तर पर भी इस बात की मॉनिटरिंग होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 1,25,00,000 की जनसंख्या है और हर व्यक्ति का इसमें सहयोग हो और सभी लोग इसमें पौधारोपण करें। नहीं है क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि इतना जमीन उपलब्ध नहीं है जितने का लक्ष्य रखा जा रहा है, लेकिन हरेला में ये भी स्पष्ट है कि हरेला केवल जंगलात की जमीन पर नहीं होता। हरेला के लिए ये त्योहार का मतलब ये है कि पूरे प्रदेश में जो हमारे 125 करोड़ की 1,25,00,000 की हमारी जनसंख्या है, हर व्यक्ति का इसमें सहयोग हो, हर व्यक्ति पौधारोपण करे। और इस बार हमारा ज्यादा फोकस है कि पौधे को बचाया कैसे जाए, क्योंकि देखने में ये आता है कि आपने पेड़ तो लगा दिए लेकिन सक्सेस रेट बहुत कम है। इस बार हम एक जिम्मेदारी के साथ इस हरेला में जितना भी प्लांटेशन हो जिम्मेदारी के साथ हो और उसकी लगातार मॉनिटरिंग होने के बाद उनके सर्वाइवल के लिए काम किया जाए, पहला। दूसरा, वही 50% फलदार पेड़ों को इसमें लगाकर हम लोग जो लोगों की आजीविका के साथ साथ वन पंचायतों के माध्यम से भी फलदार पेड़ों के पौधारोपण को इस बार हम लोग इसमें ज्यादा जोर देने का काम कर रहे हैं, ताकि ये वनों में जो हमारी एक नीति, हमने एक सोच बनाई है कि वनों के अंदर एक दूरगामी नीति के तहत, ताकि छोटा जानवर जंगलों में रुक पाए और आबादी कम न जाए, किस तरह फलदार पेड़ों पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं।